ट to stereotypes. Stereotypes होते, so heuristics? Heuristics, होते हैं जिनके जरिए हम कुछ क्विक एस्टिमेट कर लेते हैं कोई अंदाजे लगा लेते हैं और उसकी वजह से हमें लंबा चौड़ा सोचना नहीं पड़ता ठीक है अब जब हमें नहीं पता कोई अनसर्टन इवेंट है तो वो जो ह्यूरिस्टिक है ना वो जो गाइडिंग मैप्स हैं वो हमें आसानी करते हैं मसलन ये खाना है उसका एक ह्यूरिस्टिक है तो खाने का मतलब ये है कि उसको मुँह में डाला जा सकता है अब लकड़ी है वो खाने की चीज़ नहीं है तो उसको आप मुँह में नहीं डाल सकते वो भारी होगी तो कुछ जनरल जो रूल होती हैं वो अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी के लिए बनाए होते हैं उन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन पैक्ड होती है ताकि आप जल्दी से उसके बारे में कुछ कर सकें जब नहीं पता कि है क्या लेकिन ये पता है कि फूड है ये पता है कि ये वेपन है तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग अब स्टीरोटाइप सीरोस्टिक्स किस तरह होते हैं वो इस तरह होते हैं कि वो हमारे वो अंदाजे होते हैं जो किसी के बारे में हमारे लिए आसान होते हैं मसलन बड़ी दिलचस्प इसके एग्जाम्पल आगे आएंगी इसमें अगर एक मर्द औरत के लिए दरवाज़ा खोल रहा है गाड़ी का तो इसको हम ये भी कहते हैं कि ये एक अदब है एक औरत का एहतराम है एक जनरली सोसाइटी का एटीट्यूड है कि मर्द रास्ता देगा या उसके लिए दरवाज़ा खोलेगा लेकिन इसको दूसरी तरफ सेक्सिज्म भी कहा जाता है यानी क्यों दोनों में से किसी को ये एडवांटेज है कि एक जो है वो दूसरे के लिए दरवाज़ा खोले या उसको अपनी सीट दे तो इस तरह भी इस चीज़ को देखा जाता है ये स्टीरियोटाइप है एक कि ये हमेशा हर कल्चर में ऐसा ही होता है कि मर्द ही औरत के लिए दरवाज़ा खोलें या रास्ता दें तो स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो नज़रियात होते हैं वो ख़्याल होती हैं जो हम बना चुके होते हैं किसी कल्चर के बारे में किसी ग्रुप के बारे में किसी खाने के बारे में किसी लोगों के बारे में हमने ये बताया कि स्टीरोटाइप्स होते क्या हैं पहले से कायम किए हुए तस्वुर किसी ग्रुप के बारे में किसी ख़ास तबके के बारे में किसी ख़ास बीमारी के बारे में किसी ख़ास खाने के बारे में एक टिपिकल चीज़ जो है वो हमारे जहन में बैठ जाती है वो आसानी करती है कि आप उसको जल्दी से उसके बारे में फ़ैसला कर सकते हैं तो क्या ये जो स्टीरोटाइप हैं ये हमेशा गलत होते हैं या अक्सर गलत होते हैं या अक्सर ठीक होते हैं मसलन स्टीरोटाइप की एक मिसाल है हम कहते हैं कि जो जूस हैं वो पैसों के मामले में बड़े वाइज होते हैं या लालची होते हैं तो क्या तमाम ऐसे होते हैं हमारे पंजाब में एक लफ्ज़ चलता होता है कि साहूकार या बनिया हमने वो टर्म बनाई है तो कि क्या तमाम हिंदुओं में पैसे के मामले में यही एटीट्यूड है मुसलमानों के बारे में ऐसे बहुत से स्टीरो हैं मसलन ये कि वो कल्चरली बैकवर्ड हैं या वो पाबंदी होती है या उनके यहाँ हकूक नहीं होते या वो लाइफ इंजॉय नहीं करते क्या वाकई यहूदी मुल्क पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती हैं या ये सिर्फ यहूदियों की हकूमत या इसराइल का एक वो है एजेंडा तो ये एक स्टीरो टाइप है अब आप इसको मुसलमानों के स्टीरो टाइप पर ले आए हम तो दूसरे कल्चर की बात कर रहे थे ना दूसरे दीन की जब आपको वास्ता पड़ता है किसी और मुल्क में किसी और कल्चर से या कोई आपको यहाँ मिलता है या आप कहीं जाते हैं तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं और मैं कहती हूँ और हम सारे मुसलमान से ही सोचते थे अच्छा पाकिस्तानी को ये समझते हैं किसी ने मुझे सवाल पूछा आप जहाँ से आई हैं वहाँ एयरपोर्ट है तो हमने कहा नहीं हम ऊँटों पर चल के यहाँ तक आए हैं या किसी ने पूछा डू यू एक्चुअली गो अराउंड ऑन कार्स कैन विमेन गो आउट ऑफ हाउस तो मैंने कहा आपको ये बातें हैं जो स्टीरियोटाइप हैं जो आपने सोची हुई हैं ये कहाँ से फीड हुई हैं पाकिस्तान के बारे में तो इसी तरह हमारा भी गोरों के बारे में कई दफा मेरे स्टूडेंट कहते हैं वो ना देखे मैडम वेस्ट में तो ये होता है ना कि वहाँ लोग बड़ों की बात नहीं मानते या वहाँ फैमिली अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करती मैंने कहा ये आपको किसने कहा है यू हैव नेवर गॉन एंड लिव देयर तो आप स्टीरो टाइप पे चल रहे हो हमने बनाए होते हैं अब वर्किंग वूमे के बारे में स्टीरोप है पठान मर्द के बारे में स्टीरो टाइप है दुकानदार के बारे में स्टीरो है आर्टिस्ट के बारे में स्टीरो है तो ये प्रोफेशन और ग्रोप्स और के हिसाब से होता है अब हम कहते हैं कि जी जो मेहमान नवाजी है वो पठान कल्चर में है तो हमने उनका एक नजरिया स्टीर उनके बारे में बनाया है तो क्या तमाम लोग ऐसे होते हैं कई दफ़ा स्टीरो बिल्कुल सही होते हैं क्योंकि ज्यादातर उस कल्चर में यही मिलेगा मेरा अपना पठान कल्चर का यही एक्सपीरियंस है लेकिन मेरा वेस्टर्न कल्चर का भी जो एक्सपीरियंस है मैंने अपने बहुत से स्टीरोटाइप्स बदले क्योंकि मुझे जो ख्याल था कि वेस्टर्न कल्चर ये होता है वो ऐसे नहीं थे क्या ये हमेशा नेगेटिव ही होते हैं स्टीरोटाइप क्या हमें एक ख्याल है मर्दों के बारे में कि मर्द ही हमेशा वायलेंस करता है या तशद्द करता है या मर्द ही हमेशा ताकतवर होता है घर में या मर्द ही तमाम मसाइल की जड़ है फैमिली के अंदर ये बिल्कुल स्टेरोटाइप है औरतें भी वायलेंस करती हैं औरतें भी तशद करती हैं घर की बुजुर्ग खवतान पर भी करती हैं बच्चों पर करती हैं मुलाजमत पर करती हैं इवन शौहर पर भी करती हैं तो ये कम है मैं ये नहीं कह रही कि लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि नहीं है कम में तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने एक मर्द का स्टेरोटाइप बना दिया और मर्द हमेशा ऐसा ही है सारे मर्द ऐसे हैं या सारी औरतें ऐसी हैं बहुत सी ऐसी कैरेक्टर की खूबियां और ख़राबियाँ जो मर्द औरत सब में होती हैं तो ये तो कभी ये स्टीरोटाइप सोशली डेवलप होती हैं और हमें एक आसानी हो जाती है कि हमेशा आर्टिस्ट जो है ना वो ज़रा खोए खोए रहते हैं मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं कि पता नहीं चलता वो आर्टिस्ट है या स्पेस साइंटिस्ट है वो आर्टिस्ट है या मैथमेटिशियन है और मैंने ऐसे मैथमेटिशियन या इंजीनियर देखे हैं क्योंकि शायराना मिजाज के होते हैं सो जनरली ट्रू बट नॉट ट्रू फॉर एवरी बॉडी ये स्टीरोटाइप के बारे में रिसर्च का जो है वो खलासा है एक और ये होता है कि औरत कमज़ोर है या अमीर आदमियों का तो दिल ही नहीं होता तो ये मिसालें हैं जो हमारी अपनी जबान में स्टीरोटाइप्स की हैं इसके बारे में आगे चल के भी हम स्टीरोटाइप्स को देखेंगे ये मौजूद होती हैं इनको तोड़ा भी जला जाता है ये बदल भी जाते हैं सो इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज हमारा दिमाग अपनी आसानी के लिए कोई ग्रुप तस्वुर बना लेता है सबके बारे में एक जैसा क्योंकि उससे आपको लोगों को एक खाने में और एक तरीके से एक सांचे में फिट करने के लिए आसानी हो जाती है